वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पर आई हूँ नेल एक्सटेंशन कराने के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम था। और ये मुझे दिखा रहे हैं, सबसे पहले प्रोसेस होती है कलर पैलेट की, जो कि दिखाते हैं ये आपको कि आपको कौन सा कलर चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ। और मैंने कलर पसंद किया था ये नियॉन कलर, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। आप भी देख सकते हो कि काफ़ी कलर थे यहाँ पर, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था। बट मैं घर से ही सोच के गई थी कि मुझे नियॉन कलर ही कराना है। देन ये एक फाइलर की मदद से जो भी हमारे नेल शार्प होते हैं उनको क्लियर कर रहे थे कि जो भी शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाए। और गाइज, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अगर आप फर्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन कराने जा रहे हो, तो एक से डेढ़ घंटा मान के ही चलना और ले के चलना एक से डेढ़ घंटा। देन इसके बाद ये क्यूटिकल पार्ट को पुश करते हैं, जो कि आप देख सकते हो, क्योंकि इससे नेल्स ना इवन लगते हैं। ये एक एक करके आपकी उंगलियों में करेंगे ऐसी, इस तरीके से। इस तरीके करने से ना नेल्स इवन लगते हैं और ये इम्पॉर्टेंट होता है नेल्स के लिए। देन इसके बाद ये नेल बफर की मदद से इवन करते हैं नेल्स को, ताकि हमारे नेल्स नेचुरल लगें, क्योंकि चारों तरफ से अच्छे से बफ करते हैं, जो कि आप देख सकते हो ये कर रहे हैं ये। बफिंग गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेल्स के लिए, क्योंकि ज़रा सा भी अगर शार्पनेस होगी जो आपके नेचुरल नेल्स हैं ना, उसमें फिर आपको मतलब दिक्कत होती है। एंड देन जो आर्टिफिशियल नेल्स हम ये लगाते हैं, उसमें बहुत मतलब सही से लग नहीं पाते हैं ये, तो इसलिए जो नेचुरल नेल्स हैं इनको अच्छे से ये नेल्स को बफ कर देते हैं। देन इसके बाद ये क्लियर करते हैं नेल्स को। देन इसके बाद ये फेक नेल्स को ट्राई करते हैं गाइस, कि कौन सा नेल्स सही साइज का है हमारे नेल्स के ऊपर। तो एक एक करके ये नेल्स आर्टिफिशियल जो हैं वो लगाते हैं। ये पेस्ट करेंगे नेल गम की मदद से। और मैं आपको गाइस फिर से बता दूं कि अगर आप नेल एक्सटेंशन कराने जा रहे हो, आपको फर्स्ट टाइम करा रहे हो, तो आप एक से डेढ़ घंटा मान के ही चलो।
गमसा दोबारा लगाते हैं नेल्स को इवन करने के लिए, मतलब सही से पूरा एकदम क्लियर दिखने के लिए। और जो फेक नेल्स लगवाए हैं फर्स्ट कोट लगाने के बाद में यूविल लाइट होती है उसमें ड्राई करने के लिए हाथ को रखवाने के लिए बोलते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट हो जाता है इससे। एंड ड्राई नेल्स और इसके इसमें जो नेल्स ड्राई होते हैं जल्दी हो जाते हैं। और इसमें टाइमर भी लगा होता है जो कि वो सेट करते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ग्लिटर लुक भी आजकल बहुत फैशन में चल रहा है। देन आप कोई नेल आर्ट भी करा सकते हो, उसके जो कॉस्ट है वो अलग अलग कॉस्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा उसमें चूज़ कर रहे हो। कलर की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, और मैंने आपको बताया था कि यूविल लाइट में ये ड्राई करने के लिए रखते हैं फर्स्ट कोड होने के बाद में, जो कि जल्दी ड्राई हो जाते हैं इससे नेल्स। फर्स्ट कोड लगने के बाद गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा था ये नेल, और मतलब ये मैंने शेप भी पूछते हैं आपसे कि आपको कौन सा शेप चाहिए, कितना साइज चाहिए। तो वैसे नेचुरल लुक देने के लिए थोड़ा सा साइज़ को छोटा रखना चाहिए, बट मैंने बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं लिया, छोटा नहीं लिया, मीडियम साइज़ लिया था मैंने, तो उसी हिसाब से इन्होंने कट किया था। मीडियम साइज़ और सबसे छोटा साइज़ जो आप लोगे ना थोड़ा सा करवाओगे तो नेचुरल लुक देता है काफ़ी। मैं फर्स्ट टाइम करा रही थी तो मुझे स्क्वायरिंग शेप में ही कराना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप घर से भी क्लियर होके जा सकते हो कि आपको क्या चाहिए। और गाइज आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे आपने ये नेल कलर ऊपर से नियॉन कलर मैंने जैसे यूज़ किया हुआ है, और आप 1 मंथ का ये प्रोसेस होता है, 1 मंथ के बाद आपको फिर से जाना पड़ेगा उनके पास में, और क्योंकि नेल्स के मतलब ग्रोथ के ऊपर भी है कि आपका नेल्स कितनी जल्दी बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी है। बट उन्होंने बोला कि 1 मंथ तक ये आराम से चल जाता है। और हाँ मैं आपको बता रही थी कि ये अगर आपने नेल कलर ये लग गया है एक बार, तो आप ये मत सोचो कि भाई बोर हो जाते हैं कुछ लोग और इसके बाद हम नेल कलर को नहीं इस्तेमाल कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये बात उनसे क्लियर की थी तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप इसके ऊपर कोई भी कलर आप लगा सकते हो अपना, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसलिए पूछा था कि शायद मैं 1 महीने में इस नेल कलर से बोर हो जाऊं, इसलिए मैंने पूछा कि इसके ऊपर आप लगा सकते हो कि नहीं। हाँ इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो कोई भी नेल पेंट, बट ये नहीं जाएगा, ये कलर नहीं जाता है जो भी आपने लगाया है। बट जो ऊपर से लगाओगे वो हट जाएगा, जो नेचुरल कलर आपने जो मैंने नियॉन कलर यूज़ किया है वो नहीं जाएगा 1 मंथ तक। ये नियॉन कलर काफ़ी फैशन में है और काफ़ी बोल्ड सा लगता है, तो मुझे ये कलर बहुत पसंद था और मेरे मन में भी था, मैं घर से सोच के भी गई थी कि मुझे यही कलर ही लगवाना है। और विंटर में गाइस वैसे भी स्किन थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है, और मेरे हाथ में वैसे भी ये मैं सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्किन में
आपको देखने को फर्क लग रहा होगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस के बाद में, सबसे लास्ट प्रोसेस के बाद में, ये एक ऑयल लगाते हैं क्यूटिकल्स एरिया में, क्योंकि उसमें क्यूटिकल्स एरिया में हार्म ना पहुंचे। तो गाइज हम निकले हैं घर से बाहर थोड़ी देर के लिए दिन भर की थकान के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी कर लो तो भी मूड थोड़ा सा वो हो जाता है कि चलो थोड़ा सा घूमाए, आउटिंग हो जाएगी थोड़ी सी। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चाय को एंजॉय कर रहे हैं। गाइस आ जाओ आप भी पी लो चाय, और मैंने नील आर्ट ये कराया है, फिर मिलते हैं अभी।